हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बर करने के बहुत सारे ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसा कि हेडिंग में दे रखा हूँ, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो 100 के आसपास की संख्याओं का बर करने से यहाँ मतलब है 80 से लेकर के आप जो है 120 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करना इसमें सीख सकते हैं बहुत तेज। तो देखिए, यहाँ पर 100 से या तो संख्या 20 कम होनी चाहिए, 20 तक नीचे जा सकते हैं, और या 20 तक ऊपर जा सकते हैं। तो जो 100 से नीचे होगी उसका वर्ग अलग बताएंगे, 100 से ऊपर होगी उसका वर्ग अलग बताएंगे। तो आइए 100 से नीचे कोई संख्या लेते हैं और 80 से ऊपर कोई संख्या लेकर के उसको बर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसके लिए हमें चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग में मैं 87 यहाँ पर ले चुका हूँ। ठीक है, तो 87 का वर्ग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 87 जो है 100 से ये कितना कम है। ठीक है, तो 100 से आप देख सकते हैं, आप जो है ये 13 जो है कम है, आप देख सकते हैं, है ना, 13 कम है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि ये जो है आप 13 का स्क्वायर कहीं कर लेंगे। 13 का स्क्वायर आपको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है हमेशा, ये जो नंबर आ रहा है कम उसका वर्ग करेंगे, 169 ही होगा। तो हम इसमें से 69 बस लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे और एक कैरी करके रख लेंगे। ठीक है, अब जो है ये नंबर को सीधे जो है 87 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 7, है ना। और एक जो कैरी रखे थे उसको इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब 75 को अगर इसमें हम ज्वाइंट करके अगर लिखते हैं तो ये जो है 87 का वर्ग हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर फराटेदार हम लोग करना है तो कैसे प्रैक्टिस में इसको लाएंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि 87 जो है 100 से कितना कम है, 13, 13 का वर्ग करेंगे मन में, 169 का 69 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और 87 में से 13 को हम घटाएंगे तो आप देख सकते हैं, 87 में से अगर 13 को हम घटाएंगे तो आपको मन में ये कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, आपका 74 आ रहा है। एक कैरी यहाँ रखे हैं तो 75 लिख देंगे, इस तरह इस संख्या का वर्ग हो चुका है। ठीक है, और भी कोई संख्या का वर्ग अगर करना चाहते हैं तो इस पर करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 92 का वर्ग करना है। ठीक है, तो ये बताइए 100 से कितना कम है भाई, 8 कम है, सीधे 8 का वर्ग 64 लिखते हैं, यहाँ कैरी नहीं बचेगा। और 92 में से 8 को घटा करके यहाँ पर 84 अगर लिख देते हैं तो देखिए 92 का वर्ग हो चुका है। ठीक है, तो बहुत फास्ट ये ट्रिक काम करता है। और भी एक नंबर में दिखा रहा हूँ, चलिए भाई यहाँ पर मान लीजिए हमको 96 का वर्ग करना है। ठीक है, 96 का वर्ग, तो 96 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये 96 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, और 96 में से 4 घटाने पर आ जाता है ये 92, 92 यहाँ ज्वाइंट करके लिखेंगे, आपका वर्ग हो चुका है। ठीक है, अब 100 से ऊपर वाली संख्याओं को भी मैं वर्ग करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज आपका देखिए यहाँ पर दिख क्या दिख रहा है, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग जिसमें मैं 100 से ऊपर 106 लिया हूँ, 106। तो इसका वर्ग करने के लिए हम फिर देखेंगे कि ये संख्या जो है 100 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 अधिक है। ठीक है, तो हम 6 का वर्ग करेंगे और यहाँ लिखेंगे 6 का 36, और उसके बाद से 106 में 6 जोड़ के 112 जो आ रहा है इसमें सटा देंगे, तो ये हो गया 106 का वर्ग। अब इसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ये तो आपको लिखित में रहता है, प्रैक्टिस में करने के लिए इसको देखिए जवानी में करके दिखा रहा हूँ। हम देखेंगे कि ये संख्या 100 से कितना अधिक है, 6, तो 100 से जितना अधिक है उसका वर्ग कर देंगे 36, और उसके बाद जो 100 से अधिक है उसको इसी में ऐड करके जोड़ लिख देंगे, तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112, देखिए 106 का वर्ग हो गया 11236। आइए हम 103 का वर्ग करके दिखा रहा हूँ, तो 100 से कितना अधिक है, 3, 3 का वर्ग 9, हमेशा दो अंक में लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, 3 अंक आएगा तो कैरी कर लीजिएगा, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106, 10,609। तो देखिए जवानी आप वर्क कर पा रहे हैं। चलिए भाई 112 का वर्क करके मैं दिखा रहा हूँ, तो इस 100 से कितना अधिक है, 12, 12 का वर्ग 144 हासिल, इस बार एक रह गया ठीक है। और 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा, और एक 125 आपका वर्ग हो चुका है 12,544। यानी 100 से जितना अधिक है उसका वर्ग करना है दो स्थान तक, और फिर उसी संख्या को जितना अधिक है उसमें जोड़ देना है ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ नए चीज़ सीखेंगे, ये तो हो गया 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है जब संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उसको वर्ग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रिक लिख चुका हूँ कि कोई भी नंबर हो अगर उसका इकाई का अंक 5 है, एक्स का मतलब है कि इधर कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 6, 5 है तो इसमें एक्स का काम कौन कर रहा है 6, 7, 5 है तो इसमें एक्स का काम कौन कर रहा है 7, 115 है तो इसमें एक्स का काम कौन कर रहा है 11, यानी 5 को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या है आपका एक्स है। तो इसका वर्ग करने का ट्रिक है x x+1 25 इसमें ज्वाइंट कर देना है, x x+1 25। जैसे यहाँ पर 85 का वर्ग करना है हम लोगों को, तो देखिए 8 x के जब क्या है 8 है तो 8 8+1 25 आपका आंसर आ गया। अब इसको बताइए 8 में 8+1 का मतलब 9 हुआ, 8 9 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और 25 को सटा दीजिए, इस तरह से ये 85 का वर्ग हो गया ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अब इसको प्रैक्टिस मिलाते हैं। ये बताइए 5 इकाई का अंक दिख रहा है, 5 को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रही है उसमें एक अधिक से गुणा कीजिए ठीक है, क्योंकि x x प्लस वन है एक अधिक, तो 8 है तो 8 में एक अधिक 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72 और 25 इस तरह ज्वाइन कर दिए, वर्ग हो गया। इसको और बेहतर समझने के लिए और हम अगले पेज पर इसको देख सकते हैं किस तरह की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 105 का वर्ग करना है स्ट्रिक के हिसाब से, तो आप सीधे देखिए एक्स के जगह पर क्या है 10, तो 10 में एक अधिक से गुणा कीजिए, 10 × 11 110, 25 इस तरह ज्वाइन कर दीजिए, 105 का वर्ग हो गया। मान लीजिए कोई 65 का वर्ग आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे, एक्स के जगह क्या दिख रहा है 6, 6 में एक अधिक से गुणा कीजिए, 6 × 7 = 42 और यहाँ पर 25 लगा दीजिए, देखिए वर्ग हो गया। तो बहुत फास्ट ट्रिक है ये करने का ठीक है ना, आप किसी भी नंबर पर आजमा सकते हैं अगर इकाई का अंक 5 है तो। आइए और भी कुछ देखते हैं, यहाँ पर मैं एक स्पेशल संख्या लिखा हूँ जिसमें 999 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, यानी 99 कितना भी रहे तो उसको वर्ग हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 9 का वर्ग सबको पता है 81 ठीक है, तो 81 हम मैंने लिख दिया, 81 थोड़ा यहाँ पर दूर मैं लिखूँगा, 81 इसमें भी मैं दूर लिखूंगा। अब ट्रिक ये है कि जितने 9 रहता है ना उससे कम 0 इसके बीच में लिख दिया जाता है 81 के, तो यहाँ एक ही 9 है तो 1 से 1 कम 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, वर्ग हो चुका है। यहाँ 99 में 2 9 है तो 2 से 1 कम 1 1 0 इसमें डाल देना है, और जितना 0 डालना है उतना ही 9 आगे लिख देना है, ये 99 का वर्ग हो गया। इसमें 3 9 है तो 3 से 1 कम यानी 2 0 इसमें डाल देना है, और 2 0 है इसलिए 2 9 आगे लिख देना है, ये आपका वर्ग हो चुका है ठीक है। तो इस तरह से आसानी से ऐसी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। अगर अब आपको 9999 का वर्ग करना हो तो आप खुद करके इसको देखिए ठीक है, क्या करेंगे 81 लिखेंगे, और चूंकि 49 है तो 000 इसमें लिखेंगे और 999 आगे लिख देंगे, बहुत शानदार ट्रिक है ये वर्ग करने का ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर, देखते हैं और क्या हम लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं रखा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं एक ट्रिक और बताने वाला हूँ ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है आइए देखिए, जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग करना हो आपको ठीक है, 1 के स्क्वायर का वर्ग करना हो, 1 1 का, उसको 111 का वर्ग करना हो, तो 1 1 कितना भी लिखिए इसका वर्ग करने का बहुत शानदार ट्रिक है, 1 का वर्ग तो 1 होगा। इसमें 11 का वर्ग करना है तो कम से इसमें कितने 1 है 2, तो 1 2 तक गिनती लिखिए, अब पीछे फिर
डिसेंड यानी घटते हुए एक तक गिनती पा जाइए। देखिए 11 का वर्ग हो गया, ये 3 1 है, तो 1 2 3 तक जाइए, फिर आपको घटना पड़ेगा एक तक, 3 2 1, देखिए 111 का वर्ग हो गया। तो इस तरह के सारे ट्रिक आप जो है लगा करके वर्ग को बहुत आसान बना सकते हैं, कॉम्पिटिशन में आपके बहुत काम आने वाली ये चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आपकी इससे जो बेनिफिट मिलना है मिल सके। धन्यवाद।